आम आदमी पार्टी दे सूबा लीगल एडवाइजर वजो काम कर रहे धीरज वर्मा उत्ते भाजपा दे सबका नगर कौंसल प्रधान नरेश महाजन अते भाजपा दे सबका कौंसलर काली ने आरोप लगाए ने कि अपरोक्त व्यक्ति वालों अपने ही वार्ड दे सुखदेव सिंह दा राशन कार्ड कटवा के अपना कार्ड बनवाया गया अते उस राशन कार्ड राही लंबे समय तो सरकारी कनक लैंदा रहा। दूजे पासे धीरज वर्मा ने अपने उते लगे आरोपों नूं सिरे तों नकारिया अते कहा कि इन्हां वालों खुद मेरा राशन कार्ड बनवाया सी, उस वेले आप पार्टी सत्ता दे विच नहीं आई सी। लवप्रीत सिंह दी रिपोर्ट, केआरटी न्यूज़ नेटवर्क। कार्ड जिहड़ा मेरा 2 साल मेरा हो गया बने नूं, श्रीनगर पुछी दा भी साडा कार्ड मतलब सानू कणक नहीं मिलदी, साडा कार्ड किदां कटिया गया, तो अगो कहिंदे उह पिछों ही कटिया गया, पिछों सरकार ने कट छड्डिया। हाँ जी उम्र लगा के हाँ जी उम्र क्यों नहीं भाजी ने गल की आपा तो फिर उन्होंने कहा भी उन्हें फिर पुछ गिछ की उन्हें कटिया फिर नंबर साढ़ा भी उधर चलन दिया नंबर। हाँ जी हाँ जी कहना कि चोर ही कहना फिर उन्होंने होर की कहना। आप आम पार्टी का जोड़ा अपने आप को पंजाब का लीगल एडवाइजर कहता है और आम पार्टी का वो बड़ा वड्डा कारकुन बनया, उहदा नां है धीरज वर्मा, प्रेम नगर महल्ले च रहिंदा। हैरानी उस वेले होई जिहड़ी आम पार्टी लोगों का भरोसा जत्तां दी गल करदी सी, सहूलतां देण दी गल करदी सी, वो लोगों के हितां ते डाका खुद मारन लग पई। और डाका भी एडा वड्डा कि वो देखना पेगा, सोचना पेगा आम जनता किस तरह ठगी का शिकार कर रहे ने, और ठगी भी किस दी जिहड़ी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कणक वंडी जाती है। दो तरह की कणक हुई केंद्र सरकार वालों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों, एक कोरोना काल च फ्री कणक दिती गई जिहड़ी अज तक जा रही है, और एक 2 रुपए किलो की कणक जिहड़ी है केंद्र सरकार भेजदा है, वो केंद्र सरकार वालों वो कणक जिहड़ी है लोगों गरीबों नूं दिती जांदी है जिहदे नाल वो अपना पेट भर सक। मैं हैरान होया इत्थे मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह बीमार आदमी लाचार आदमी रेहड़ी लांदा अपने परिवार का किस तरह पेट पालदा होएगा, उसका एक कार्ड जिसका ये कार्ड नंबर दर्ज है वो कार्ड नंबर है 03000 5623 66। लगभग इन्हों का कहना है कि 8 महीने तो 9 महीने तो लगभग ये फूड सप्लाई के दफ्तर धक्के खांदे हो गया, चक्कर मारद हो गया, और इस करके चक्कर मार रहे हैं इन्हों का राशन जड़ा वा राशन नहीं मिल रहा। कार्ड इस नंबर के उत्ते फूड सप्लाई के अफसर की मिली भगत, देखो फूड सप्लाई किस तरह आम पार्टी के नाल रल के गरीबों का राशन गरीबों देने की बजाय खुद डकार मार रहे। वो कार्ड जड़ा धीरज वर्मा जिदा मैं जिक्र कर रहा, और मैं फैमिली दी 5 लोगों का जो कार्ड सी जड़ा इन्हों की फैमिली परिवार है वो भी 5 लोगों का कार्ड बनया, उन्हें भी वह कार्ड का नंबर ला के 5 नंबर 5 नावों का कार्ड जड़ा वा वो 5 ने ये जड़े हकदार ने, वो ये 5 ने झूठ बोल के उस नंबर के उत्ते 8-9 महीने तो का राशन ला रहे ने। फूड सप्लाई के अफसर की हालत देखो, जड़ा उन्हों की आई डी का मेजूज हो रहा सरकार दी दा
अगर सरकार नूं इह होश नहीं भी साडी आई डी दे उत्ते मिसयूज करके आम पार्टी दे जिहड़े कारकुन जां लीडर ने वह राशन लै रहे ने और वह व्यक्ति ये वो है क्योंकि ये कणक है गरीबों वास्ते इन्हों का उस कार्ड के उत्ते आयुष्मान कार्ड भी बनया हुआ जिहड़ी केंद्र सरकार की स्कीम है और केंद्र सरकार की स्कीम के कारण कल नू अगर ये किसी इलाज ना खुदा की खासा कराना पवे तो इन्हों का राशन जी उतो हस्पताल चो वो फैसिलिटी भी जी उस वे नहीं मिलनी जिस वे इन्हों के नाँ के उत्ते नीला कार्ड नहीं बोलिया जोड़ा BPL कार्ड और 8-9 महीने तो अफसर बेशक तुम खुद गल कर लो इन्हों कोई जवाब प्रॉपर नहीं दे रहे अफसर और इन्होंने ये कार्ड के उत्ते जिस बंदे की व्यक्ति की गल कर रहे हैं यदि एक दे फर्म है सिक्योरिटी की वर्मा सिक्योरिटी एक वर्मा टैलीकॉम और कहन तो अपने आप को कहते हैं कि अभी इनकम टैक्स पे ही हैं देंगे कि नहीं देंगे ये परिवार ही दसूगा की करते ने कार कोल है हर घर च फैसिलिटी है हर घर च सहूलत है और इन्हों गरीबों के घर जाके आप तो ही जाके झाती मार लो कि इन्हों की हालत की है वो इस करके साबित होंदा बेईमान कटर जिहड़ी सरकार है जिहड़ी सरदार शहीद भगत सिंह नूं कहिंदी है भी साडा आदर्श है वो सरदार शहीद भगत सिंह दे आदर्शां की गलत करती है पर गरीबां दे हितां दे डाका मारदी पई। मैं जानना चाहना भी वह किस तरीके दे नाल किहदी मिली भुगत दे नाल किस तरीके दे नाल आई डी जिहड़ी है आम तुसीं भी जानदे हो कि कोई कार्ड नीला बनवाउण जाए तो उहनूं कहा जांदा साइड बंद दा और साइड गवर्नमेंट ने बंद की है साइड नहीं खुली तो यह साइड जी है वो किस तरह खुली तो किस तरह आई डी चोरी हुई किस तरह आई डी हैक हुई किस तरह बनी उन्होंने अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई जी है DC साहब तो मंग करते हैं SDM साहब तो मंग करते हैं तुरंत होनी चाहिए और सरकार ऐसे दोषियों परचा करे और इन्हों जी है बनती सजा जी है कानून के अनुसार दी जाए। देखो ते फोन करने तो बाद मैं अपना वेरीफाई किया जब काली MC सबका MC जो लड़िया इलैक्शन उस टाइम के उत्ते मैं अपने फादर साहब को पूछा कि गलबात हुई काली MC उन्होंने घर आया साढ़े फादर साहब को आधार कार्ड लैके गया सी फादर साहब का पूरी फैमिली का मेरा आधार कार्ड नहीं दिता उन्होंने ठीक है जी गल आधार कार्ड लैके गया सी ताडा राशन कार्ड बना दें असी तुसी हैंड टू माउथ जे आमदन वध नहीं हैगी तुहाडी काली MC की बिल्डिंग सी घर कह के गया जो मैं वेरीफाई किया मैं अपने फादर साहब को मेरा आधार कार्ड नहीं दिता कोई भी क्योंकि मैं पोलिटिकल बंदा मैं इस करके अपना आधार कार्ड ना मेरे गल हुई ना मेरे गलबात हुई कोई इस तरह की ना मेरे फादर साहब ने दिता मैंने फोन जरूर आया कि आधार कार्ड बना तो अपना बना लो बना तो मेरा ना बनायो मैं नहीं बनाना चाहता तो हूँ काली MC आरोप ला रहा काली MC बना के तो काली MC साढ़े तो आरोप ला रहा तो काली जवाब देगा कि काली MC ने बनाया क्यों आप ही बना के MC के लालच वोटों के लालच आ के आप ही बना के कि कटाया कि नहीं कटाया मेरा अज तक कितने सहन दस दौ मेरे सहन हुए हूँ मेरा कितने आधार कार्ड दिता हो नहीं नहीं थोड़ा दौर तुम क्लीयर हो गया मैं कर देना तुम कह रहे हो कि किसी पार्टी का कट के तो साडा कार्ड बनया एक काली MC बनाने वाला तो काली MC कटाने वाला मैं अपनी गल नहीं कर रहा जी मैं फैमिली जवाब देगी मेरा कोई जवाब नहीं जी ना कि यह जो कह रहे हो ना नंबर एक इनू मैं पोर्टल नहीं मानता जी तुम ऑफिशियली पोर्टल वैबसाइट पर जाओ मेरे को पोर्टल आ गया मैं अपना वेरीफाई कर लिया ठीक है जी गल मैं तुम्हें प्रूफ दे देना विद प्रूफ मेरा नाम नहीं है अज की डेट के भी तुम मैं पोर्टल दिखा दो सरकारी पोर्टल उत्ते जे किसी का किसी सरकारी पोर्टल का सरकारी अफसर का किसी का नंबर है उन्हें फोन करके पुछो धीरे वर्मा आधार कार्ड दिना मैं पुछो कि धीरे वर्मा का नाम ऑनलाइन चढ़िया इस टाइम यह कन्फर्म कर सकते सर पहली गल तो है मेरे को अथॉरिटी कोई नहीं आधार कार्ड बना दी ना मेरी सरकार सी ना मेरी अथॉरिटी काली MC इलेक्शन दी 21 दे 22 दे सरकार आई है उस टाइम तो मेरे को कौन सी पावर सी जी मेरे को हूँ पावर है जी मैं पोर्टल जाकर कुछ कर सकता सब तो पहले तो शर्त जी होंदिया ने एज पर ला जी होंदिया ने कि आमदन वध नहीं होनी चाहिए सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए हाँ जी 1.5 लाख रुपया ठीक है जी गल तुम मेरी गल करोगे मेरा आधार कार्ड हैगा मेरा राशन कार्ड बनया मैं दसो मेरा अंगूठा कितने लगा दसो मेरे सिग्नेचर कितने हुए है दसो मैं कोई फार्म भरया कोई दसो सर फादर साहब इंडिपेंडेंट ने जो मर्जी कर सकते हैं आजाद भारत के उन्होंने आमदन वध है प्रूफ दौ सर वक्रे रहेंगे फैमिली जिदा मर्जी हो माँ प्यो जिते मर्जी ना माँ प्यो बच्चे रोज रेंगे ने उन्हों का कोई वाद आमदन का सर्टिफिकेट है कोई दसो
मैं इस उत्ते इस टॉपिक उत्ते मैं काली एम सी के उत्ते मान हानि का केस करा काली एम सी जे घर आया काली एम सी ने आके साडे घर आके फादर साहब को लिया मैं ऐसे इमीजिएटली मैं वकील करके मैं आप फिर भी ना कोर्ट के ठीक है जी गल मैं इमीजिएटली कल काली एम सी के मान हानि का केस करा काली एम सी ने कटा के मेरा आधार कार्ड किन्ने दिता तो किन्ने पाया काली एम सी जवाबदार है राजकुमार भाई फादर ने हाँ जी ए भाभी जी ने हाँ जी भाभी जी ने आते सर कि नहीं आते प्रूफ कर दौ ना कि नहीं आते सर आते बिल्कुल आते जी मैं सर काली एम सी का टूर करदा जी उन्हें पहले बनाया क्यों उन्हें क्यों बनाया इवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वे वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डिकॉर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डिकॉर इन द रीजन। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वर्सेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फोर फ्लोर एंड टेबल लैम्प, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स एंड स्टैचू एंड मच मोर। एवन हैंडीक्राफ्ट वी अंडरटेक इंटीरियर मेटल डेकर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट, एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवंस केक्स एंड बेक्स, नजदीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।